सो अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो दिस टाइम इज बेटा इंग्लिश ऑरल टाइम, जिसमें आज बेटा हम रिवाइज करेंगे स्टोरी क्वेश्चन आंसर एंड टॉपिक माई सेल्फ। ओके, तो बेटा स्टोरी क्वेश्चन आंसर आपको आई होप कि सबको अच्छी तरह से लर्न है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आप दोनों को। अभी आप प्रियांशी एंड रुद्र ही हैं हमारे पास, तो आप दोनों की टर्न लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशी बेटा, आपको लर्न है स्टोरी क्वेश्चन आंसर प्रियांशी? ओह वाह, वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए कॉन्फिडेंस। नाउ प्रियांशी, यू टेल मी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? नेम बेटा, नेम, नेम ऑफ द स्टोरी। हाँ जी, लॉयन एंड द शेफर्ड। केयरफुली आंसर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहले मॉरल बता दिया था ना। मॉरल डिफरेंट होता है कि हमने स्टोरी से क्या सीखा। मैंने अभी नेम पूछा, जैसे आपका नेम है प्रियांशी, ऐसे स्टोरी का नेम भी है। थोड़ा लिसन केयरफुल। सेकंड क्वेश्चन इज, हु ऑलवेज टोल्ड लाइज? ऑलवेज, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन इज, हु केम टू हेल्प द शेफर्ड? The farmers came to help the shepherd. Farmers क्या होते हैं, कौन होते हैं farmers? okay, हाँ, जो खेतों में काम करते हैं। What did the lion do? The lion killed many of the gods. द लॉइन किल, मैम के पीछे बोली, द लॉइन किल्ड मैनी ऑफ द गॉड्स। ओके, किल्ड क्या होता है, वट इज द मीनिंग ऑफ किल्ड? मार देना, वेरी गुड। एंड लास्ट इज, लिसन केयरफुली, वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो आपने पहले बताया था मॉरल, मॉरल ऑफ द स्टोरी Never tell a lie. बेटा moral मतलब होता है, पहले तो आपको meaning पता होना चाहिए। Moral होता है इस story से हमने क्या सीखा, कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। Name होता है कि story का name क्या है, जैसे आपका name है, father का name है, ऐसे story का भी name। तो आप बेटा थोड़ा सा ध्यान में name में और moral में confuse हुए हो, ठीक है। चले रुदर, your turn. रुद्र, यस बेटा, वट इज द, आपने भी ध्यान से सुनना है क्वेश्चन पहले, लिसन केयरफुली, वट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? वेरी गुड, वट, सिट प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन इज, हु ऑलवेज टोल्ड लाइज? हु केम टू हेल्प द शेफर्ड? Farmer came to help the shepherd. Farmers came to. What did the lion do? Lion killed बेटा, lion killed, killed मतलब वो मार के खा जाता है। Lion killed, उसने कितनी सारी goats को मार दिया था, killed. And last it, what is the moral of the story? मॉरल, मॉरल बताएं बेटा, मॉरल, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? नेवर लाई, लाई बेटा आंसर में थोड़ा ले हो गया ना, काफी देर हो गई है स्टोरी के। अगेन बताएं मुझे, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? नेवर टेल अ लाई। अगेन बताएं, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हाँ, तो आपने प्रियांशी और रुद्र, इसको एक बार दोनों ने ना स्टोरी के अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें बेटा आपको, यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ शेफर्ड बॉय? व्हाट इज द नेम ऑफ शेफर्ड बॉय?
नेम इज कालू। शेफर्ड बॉय का नेम स्टोरी में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, हमने आपको स्टार्ट बताया भी था, तो इसमें शेफर्ड बॉय का नेम है कालू। ओके, जैसे आपका नाम है रुद्र, प्रियांशी, तो ऐसे जो शेफर्ड बॉय था उसका नाम क्या, शेफर्ड बॉय क्या होता है? जो वहां पर अपनी गोट्स को जंगल में हम लेके जाते हैं उनको खाना खिलाने के लिए, या कहीं पर ग्रास खाती हैं, उनको बोलते हैं शेफर्ड बॉय। शेफर्ड जो भी वहां पर उनको लेके जाता है, अपने चरवाहा जिसे कहते हैं, अपनी बकरियों को भेड़ों को लेके जाता है चराने के लिए, तो उसका नेम होता है। जैसे आपका नेम है तो हम कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम, ऐसे शेफर्ड बॉय का भी नेम था, उसका नेम क्या था, हिज नेम इज कालू। नाउ बेटा आप दोनों ने इसको अच्छी तरह से और लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक माई सेल्फ। माई सेल्फ मीनिंग जिसमें माई सेल्फ अपने बारे में पता होना चाहिए आपको, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको अपने बारे में सारा ही नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैम प्रियांशी से पूछते हैं, ओके प्रियांशी आर यू बॉय और अ गर्ल? वेरी गुड, आई एम अ गर्ल। नाउ व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी? एलकेजी पिंक क्लास। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? वेरी गुड, वेल डन, आप तो सारे आंसर ठीक दे रहे हो, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डू यू लिव? ओके वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी। एंड हु योर बेस्ट फ्रेंड? ओके दिवांशी, ओके वेरी गुड। एंड विच इज योर फेवरेट गेम? डॉल, ओके। एंड विच इज योर फेवरेट वेजिटेबल? ओके। एंड व्हाट इज योर नेम ऑफ ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर? माई वेरी गुड रू, वेरी गुड प्रियांशी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए भाई, करेक्ट आंसर दिए। नाउ हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर डू यू हैव? वाह वेरी गुड, तो आपको इतने अच्छे आंसर देने के लिए जो मिलते हैं एप्रिसिएशन, आइसक्रीम एंड लॉलीपॉप दोनों ही मिलते हैं आपको, बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए, वेल डन बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट रुद्र, आपने भी ऐसे ही आंसर देने। रुद्र यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू बॉय और अ गर्ल? आई एम, आई एम, फुल ट्राई टू फुल सेंटेंस, आई एम अ बॉय। What is your name? No, KG. What is your mother's name? Very good. How old are you? How old are you? And I am. साथ में I am यूज करते हैं, I am. Oh, very good. And where do you live? Live, live, beta, live. Very good. In which school do you study? School, school or class में दोनों में फर्क क्या बेटा? Very good. Up now I ask. In which class do you study? I study in, okay. How many brother, sister do you have? Hmm.
ओके, विच इज योर फेवरेट टॉय? टॉय, नॉट गेम. ओके जी, ओके, गिटार है, वेरी गुड. एंड विच इज योर फेवरेट फ्रूट? फ्रूट्स, ओ वाह, बड़ी अच्छी तरह से सबने, दोनों ने आंसर बहुत अच्छे दिए. तो आपको भी मिलती है आइसक्रीम कोन एंड लॉलीपॉप, इतने अच्छे आंसर देने के लिए. वेरी गुड, नाइस एफर्ट. देखो, आपके पेरेंट्स आपको इतनी तरह अच्छी तरह से लर्न करवाते हैं ना प्रियांशी उधर, तो अपने पेरेंट्स को पहले थैंक्स बोले. थैंक्स टू पेरेंट्स जिनको जिन्होंने आपको इतना अच्छा लर्न करवाया. रुद्र अभी बोले मम्मा को, थैंक यू मम्मा. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड थैंक्स टू पेरेंट्स जो बच्चों को एफर्ट्स करवाते हैं. ये तो हो गया बेटा हमारा स्टोरी क्वेश्चन आंसर ऑरल में, और साथ में बेटा हमारा हो गया टॉपिक माई सेल्फ, जिसमें आपने आपसे कुछ अपने बारे में पता होना चाहिए कि माई, वट इज़ माई नेम, वट इज़ माई फादर्स नेम, मदर्स नेम, ग्रैंड पेरेंट्स नेम, ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स, है ना, इन योर फैमिली आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, एंड फेवरेट क्या है आपको, क्या है विच इज योर फेवरेट फ्रूट, वेजिटेबल, टॉय, गेम्स, कुछ भी ऐसे आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग. फेवरेट मतलब आपका मनपसंद, जो आपको सबसे अच्छा लगता है. बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, और स्कूल, क्लास, जी आपको सबको सब कुछ आपके बारे में है. ठीक है, तो आपको अपने बारे में कुछ भी पूछा जाए आपको अच्छी तरह से बताना चाहिए. विच इज योर फेवरेट कलर, है ना, विच इज योर फेवरेट ड्रेस, सारा कुछ ही आपको. हु इज योर फेवरेट टीचर्स, आपको टीचर्स कौन सी पसंद है ना. हु इज योर फेवरेट कार्टून, आप कार्टून भी देखते हो, टीवी प्रोग्राम्स कौन से अच्छे लगते हैं, ये सब कुछ आपके रिलेटेड है. हमने बेटा जो दोनों ही लर्न किए, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा है प्रियांशी, प्रियांशी को प्रॉब्लम लगी है नेम और मॉरल में, एंड रुद्र को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, जैसे स्टार्टिंग करने में से प्रॉब्लम आई है. स्टार्ट कर दें तो फिर आप कर लेते हो बेटा, हैबिट डालें कि खुद सारा करना है विदाउट पेरेंट्स हेल्प. स्टार्टिंग करना भी अच्छी तरह से लर्न करें बेटा. हमारा टुडे जो हमारा इस वीक में और आज का जो थॉट है, सो थॉट इज बी हैप्पी. बी हैप्पी जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, बी हैप्पी. ओके, साथ में बनी हुई स्माइल. तो ये आप दोनों में से कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी हैप्पी? पहले भी हमने किया हुआ है जी ऑलरेडी. हैप्पी इसका मीनिंग बताओ ना, हमने पहले भी किया है. जैसे ये देखें मैम का फेस, देखिए जरा मैम का फेस कैसे है. मैम का फेस कैसे है? हैप्पी, हैप्पी, है ना, मैम हैप्पी है ना, खुश है. और ये देखिए मैम का फेस, सैड, है ना, सैड सा हुआ, मैम उदास है. और ये एंग्री, तो हमारे जो इंप्रेशन होते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, है ना. तो बी हैप्पी, बट आपने ना तो एंग्री रहना है ना सैड रहना है, क्या रहना है, बी हैप्पी, खुश रहें, फेस पे स्माइल रखें. ठीक है, ये नहीं, बट ये भी नहीं स्माइल रखें कि मैम जब मम्मा आपको आपको कुछ आ नहीं रहा तो मम्मा डांट रहे हैं और आगे से आप हंस रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये है कि यदि आपको कुछ आता नहीं, जैसे मैम क्लास में देखते हैं ना, किसी बच्चे को कुछ प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो वो रोने लग पड़ता है, सैड हो जाता है मुझे, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की होती तो वो सैड हो जाता है, रोने लग पड़ता है कई बार. फिर मैम उन्हें समझाती हैं कि बेटा आपने रोना नहीं है, आपने सैड नहीं होना, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, और आपने ये कहना है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और हर चीज़ को सीखना है हंसते हुए. जब हम हंसते हुए इंटरेस्ट से करते हैं तो और भी काम अच्छा होता है. आपको सैड जो फेस है वो अच्छा लगता है? सैड फेस मम्मा का या पापा का, किसी ने भी सैड सा फेस बनाया हो, आपका अपना ही सैड फेस अच्छा लगता है दोनों को? प्रियांशी लगता है अच्छा? सैड फेस नहीं ना अच्छा लगता आपको? हैप्पी, हैप्पी
आपको जो बच्चे भी होते हैं हैप्पी हैप्पी पसंद आते हैं ना, जो हंस रहे होते हैं, स्माइलिंग करते हैं, ऐसे अपने बच्चों के फेस पे तो बेटा नेचुरली स्माइल होती है, हैप्पी होते हैं। तुझे अपनी हैप्पी जो है, हैप्पीनेस है, स्माइल है, इसको ऐसे ही रखें। जैसे हम फेस के इंप्रेशन बना लेंगे वैसे हमारे सारे रहते हैं, इसलिए हैप्पी फेस बनाएं, खुश रहें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें उदास नहीं होना, उसमें एफर्ट्स करने हैं हंसते हुए, और हमने उसको लर्न करना है, ठीक है। खुश रहें हमेशा। कई बार हमें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई, यदि कुछ आता नहीं है तो सैड नहीं हो, ठीक है, बट ये भी नहीं है कि यदि आपको डांट पड़ रही है तो आप आगे से खुश हो रहे हैं, ये नहीं। उनसे सॉरी मांग लें और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ये भी प्रॉमिस करें। और यदि आपको कुछ आता नहीं है फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और हंसते हुए हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखनी, गुस्सा नहीं रखते, एंग्री नहीं होते। कई बार कुछ बच्चे बड़े एंग्री होते हैं, गुस्सा करके काम करते हैं, मैंने नहीं करना। आपके कई बार मम्मा को भी कई बार आप पे डांटना पड़ता तो आपको मम्मा का फिर फेस नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो डांट रहे होते हैं, है ना। तो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। खुश रहने से आपके फेस पे भी ग्लो आता है, आप इतने स्ट्रांग बनते हो, आपको और अच्छा अच्छा थॉट्स आते हैं और अच्छा काम कर पाते हो हंसते हुए। सभी बच्चों, सभी को हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। जैसे देखे प्रियांशी ने कितनी सुंदर स्माइल की हुई है ना, तो ऐसे बेटा आप दोनों ने इसको हमेशा अपने घर में भी इसको इम्प्लीमेंट भी करना, स्माइल फेस रखनी, हैप्पी, खुश रहना। यदि कुछ नहीं आता रोए ना, सैड मत होए, उनको सीखें, ठीक है, और अंदर में लेके आए पावर कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो आप दोनों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो अभी आपने हैप्पी फेस से जो आपका थोड़ा सा वर्क रहता था ना, स्मॉल कर्सिव ए टू जेड, वो कंप्लीट करके उनकी पिक्स मुझे सेंड कर देनी है। और अपने पेरेंट्स का कहना माने, ओबीडियंट बने, वाटर को वेस्ट ना करें। लास्ट वाले भी हम इम्प्लीमेंट साइड बाय साइड करेंगे, उनको थॉट्स को नहीं भूलना। वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ज़्यादा चिप्स कुरकुरे नहीं खाने चाहिए, टॉफीज हम चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा खाते हैं फिर हमारे टीथ जो हैं ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा टीवी वॉच मत करें, कैमरा हम अपना फ़ोन देखते हैं इतना ज़्यादा भी, गेम्स करने के लिए लैपटॉप फ़ोन, तो अपनी आई साइड पे बेटा फ़र्क पड़ेगा। जो छोटे बच्चों की आईज होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह हम हैप्पी हैप्पी इस क्लास से भी हैप्पी हैप्पी जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना वर्क करके जल्दी से मुझे सेंड कर देना, सुंदर सुंदर सा स्मॉल कर्सिव ए टू जेड करना। तो सो बाय, टेक केयर, और अपने पेरेंट्स का जरूर कहना माने जो आपके आपके ऊपर इतने एफर्ट्स करते। बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। बाय बेटा, प्रियांशी बाय एंड रुद्र बाय बेटा।